हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू यू इन गॉड क्लासेस। जैसे कि हम क्विक रिवीजन कर रहे थे टेंसेस का, ठीक है, तो उसका पार्ट वन हो चुका था। आज हम पार्ट टू में इम्पोर्टेंट कंडीशंस पढ़ेंगे। कुछ ये कंडीशन क्या है कि कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका यूज अगर किसी भी टेंस में होगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम ये वाले एडवर्ब्स यूज करते हैं तो वो टेंस होगा हमेशा इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट किसको हुआ? जिसके अंदर वो यूज किया गया होगा उसी का इंडेफिनेट। और इनका प्लेसेस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब के बीच में। मतलब इनका यूज होगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जस्ट। अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, पेपर में कैसे आना है, ये पेपर में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पेयर्स इज यूजुअली बिलीविंग इन एवरीबॉडी। तो बताए थे इंडेफिनेट टेंस में होगा, इसमें कंडीशनल वर्ड क्या है? यूजुअली। यूजुअली का यूज इंडेफिनेट टेंस में होगा तो ये कंटिन्यूअस इसको इंडेफिनेट बना देंगे। फिर से एंड का है तो यहाँ पर लिख देंगे बिलीव। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अर्नब गेट्स ऑफन लेट फॉर लंच। मुश्किल का ही ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, सही है। आरब जो है वो हमेशा ही लंच के लिए लेट हो जाता है। ऑफन मिल गया सेंटेंस, लेकिन इंडेफिनेट तो है ये, बट इसका प्लेस सही नहीं है, तो ये कहा जाएगा आरव ऑफन गेट्स। ठीक, अब ये सेंटेंस ही हो गया। फिर नेक्स्ट है, सोहन कम्स ऑलवेज इन टाइम। सोहन हमेशा समय में आ जाता है, समय के अंदर अंदर आ जाता है। इसमें कंडीशनल वर्ड क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज का यूज कहां पर होना है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो इसका यूज यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। इसमें भी कंडीशनल वर्ड क्या है सेंटेंस में? ऑफन। ऑफन का यूज होगा तो किसमें होगा सेंटेंस? वो इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें इज हटा दे, आईएनजी हटा दे, माय फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या आएगा? कम्स। अब इसी सेंटेंस में संडेस लिखा गया है, सही है गलत है? ये सही है। अगर हम किसी डेज में एस लगा देते हैं, नेम ऑफ डे में एस लगा देते हैं, तो ये रिपीटेशन एक्शन दिखाता है। मतलब ये बार बार होने वाला फ्रीक्वेंटली दिखा देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अगर जिसको नोट्स बनानी है, स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी सेकंड कंडीशन आती है परफेक्ट की। मींस ये कुछ वर्ड है जैसे एवर हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली, ऑलरेडी। इनका यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में भी, और जिनका प्लेस होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। अब जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है? आई जस्ट हैव सीन दैट फिल्म। मैंने अभी हाल ही में वही मूवी देखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो परफेक्ट तो है ये, बट इसका प्लेस सही नहीं है, जस्ट आया है। जस्ट का प्लेस कहां पर है? अभी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले, तो जस्ट यहां से हटेगा और कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ऑलरेडी हैव माय ब्रेकफास्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको दोनों तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। जो फर्स्ट प्रीफ्रेंस जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। तो आई हैव ऑलरेडी, अब थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म होती है इसकी हैड। यहां पर हैव और हैड दोनों से ही है, बट ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और ये सेकंड प्रेफरेंस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, आई जस्ट हैड हैड माय लंच। यहाँ पर डबल हैड आया, ये सही है गलत है? ये सही है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट ये सेंटेंस अभी भी गलत है क्योंकि इसका प्लेस सही नहीं है। जस्ट कहां पर आएगा? इधर। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड जस्ट हैड माय लंच। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ आ गई होगी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी पेपर में इंग्लिश आनी होती है तो 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है, अगर किस सेंटेंस में येट, सो फार, टिल नाउ आता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट होगा। परफेक्ट के साथ साथ निगेटिव होगा। परफेक्ट किसको होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस जाएंगे प्रेजेंट को और सेकंड प्रेफरेंस पास्ट। द सेंटेंस है, ही हैज प्रिपेयर्ड द फूड येट।
तीनों का मीनिंग निगेटिव होता है, येट सो फार टिल नाउ का मीनिंग होता है अभी तक, अभी तक उसने खाना नहीं बनाया, नहीं बनाया तो यहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट तो है, निगेटिव नहीं है, इसको निगेटिव बना देंगे नॉट लगा कर। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है द ट्रेन हैज अराइव्ड सो फार, परफेक्ट है बट निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव के लिए नॉट। फिर नेक्स्ट द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार, कंडीशनल वर्ड क्या है इसमें, सो फार तो क्या आएगा नॉट। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बीन क्यों आया, क्योंकि जब कोई भी न्यूज है तो वो अपने आप तो पब्लिश होगी नहीं, नहीं डिक्लेयर अपने आप होगी, दूसरे के द्वारा होगी, तो दूसरे के लिए क्या है पैसिव वॉइस बनेगा, ये इसलिए पैसिव वॉइस बनी हुई है। ये तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन आती है, कंडीशनल वर्ड है ऑफ लेट एंड लेटली। अगर किसी सेंटेंस में ऑफ लेट या लेटली आता है तो वो सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। एग्जांपल देख लेते हैं, इट केम टू माय नोटिस लेटली, लेटली और दोनों का मीनिंग क्या होता है बाद में आना, तो लेटली है तो इसमें क्या बनेगा परफेक्ट बना देंगे, इट के साथ हैज आएगा और हैज के साथ थर्ड फॉर्म कम। इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर है तो हैज आएगा। फिनिश्ड ऑफ लेट कंडीशनल वर्ड मिल गया शुरू में, ऑफ लेट शी डिड नॉट गो टू एनी मूवी, मुश्किल थे वो किसी भी मूवी को गई, क्या कहे यहाँ पर डिड नहीं आएगा, शी है तो हैज आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। नॉट डन कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मोस्ट कंडीशंस के हिसाब से, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस होंगी जो हर एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स के लिए तो आती ही आती है। ठीक है, थोड़ा एक इश्यू फेस करने आया है सामने, एक इश्यू ये है कि लैंग्वेज के लिए वो लगा है कि इंग्लिश में बताइए सर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए स्ट्रक्चर बताया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लो, वही है सिर्फ हमारा हिंदी जो मीडियम है, हिंदी मीडियम है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको, लेकिन सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिए, ये इंग्लिश में ही है टोटल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।